अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, कौन जीतने वाला है? अच्छा भाई, हमारा सवाल आया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम मौजूद हैं, आपको पता है कि एक मशहूर कॉलेज है हमारा, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी सवालात करेंगे और उनके भी आपको जवाबात बताएंगे। अच्छा, ये जो है वो कॉलेज सीरीज है, तो इंशाल्लाह आपके कॉलेज में भी हमारा विज़िट रहेगा, तो जिस कॉलेज में भी पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इंशाल्लाह वहाँ भी विज़िट हम लोग करेंगे। अच्छा भाई, तो आ जाओ भाई, कौन आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्री इंजीनियरिंग की क्लोजिंग कितनी थी इधर? 60+ है। अच्छा 60+, कैमरे में देख के। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है जो यहाँ पर कॉलेज में? पढ़ाई बस सही है, इतनी अच्छी भी नहीं कह सकता, बस सही है। अच्छा मुनासिब है, यानी मुनासिब। अच्छा यहाँ मतलब कोचिंग भी ले रहे हो, ट्यूशन भी ले रहे हो या ऑनलाइन भी कर रहे हो, या सिर्फ जो है वो कॉलेज से काम हो रहा है? नहीं नहीं, कोचिंग ले रहा हूँ और आपका थोड़ा बहुत चैनल से पढ़ो। अच्छा तो चलो भाई, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे अच्छा समझ आ रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे मुश्किल हो रहा है आपके लिए? फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा भाई ये मुझे बताओ आप बात कि कॉलेज में रोज़ आना है या नहीं? हमें तो एक हफ़्ते आना है, एक हफ़्ते छुट्टी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा देखो, इस कॉलेज की एक खसूसियत है कि आपको एक हफ़्ते आना है और एक हफ़्ते आपके पास छुट्टी है। अच्छा आप, हम और बच्चों से भी सवालात कर लेते हैं कॉमर्स के, ताकि कॉमर्स के भी बच्चे देख रहे होंगे। तो भाई अब हमारे पास मौजूद हैं जौहर कॉलेज के कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि कॉमर्स की क्लोजिंग क्या है और इन लोगों के नाम, तो भाई नाम बताओ। मोहम्मद हसीब। नासिर खान। नासिर खान। अच्छा ये बताओ कॉमर्स की जो क्लोजिंग है वो कितने पर हुई है? 318। यानी समझ लो 60+ ना। अच्छा ये बताओ कॉमर्स का सबसे अच्छा सब्जेक्ट इस कॉलेज में क्या है? अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग को लेके दोनों शोर हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि मज़ा आ रहा है कॉलेज में? जी। अच्छा तो भाई थोड़े से जो है वो और भी हम लोग इनसे सवालात कर लेते हैं। अच्छा काफ़ी रश लग गया है, तो इन सब का शुक्रिया कि भाई अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को और सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोचिंग कौन से जा रहे हो? नहीं जाते, कॉलेज में ही हो रहा है। परफेक्ट। अच्छा ऑनलाइन कौन पढ़ा रहा है, मतलब ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे हो? ऑनलाइन सेंटर से ही पढ़ता हूँ, कोचिंग से। अच्छा देखो कॉमर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन जो है वो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, और ऑनलाइन का थोड़ा सा जो है वो मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा और भी बच्चे हैं उनसे पूछ लेते हैं। भाई नाम बताओ। अब्दुल अन्नान। अब्दुल्ला ये बताओ ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे हो? ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा, कोचिंग जा रहा हूँ। अच्छा 9 मैट्रिक में मैंने आपसे पढ़ा है, एमी इंग्लिश सेंटर से। तो भाई कॉमर्स वालों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा ये हुआ है कि एमी इंग्लिश सेंटर ना कॉमर्स नहीं करा पाया है, जिसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है कि कॉमर्स का अगर हमें टीचर अरेंज करना है ना 60,000-70,000, तो ऑनलाइन ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं कॉमर्स वाले, लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस है ना, वो जो है हम लोगों से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह भाई आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर हम लोग बनाएंगे, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ गेस्ट पेपर से तैयारी कर रहे हो, करोगे या नहीं प्लान है? करेंगे, अभी करोगे ना? जी जी। अच्छा तो अब मेरा ज़्यादा तो मैं इन लोगों से सवालात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा भाई हमारा सवाल आया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं? मुश्किल है, खतरा है। खतरा है भाई, क्यों खतरा है? वो खेलते नहीं है, परफॉर्म नहीं करते कोई भी। लेकिन अभी तो हाईएस्ट चेस किया है श्रीलंका के खिलाफ। कभी कभी आ जाते, लेकिन जब वो आता है मुकाबला फिर सब पीछे भागते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, क्रिकेट के तो सबसे बड़े फैन हो गए, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है कौन जीतने वाला है? पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान। आप बताओ पाकिस्तान। और सेंचुरी है किसी की? अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम या रिजवान? कोई रिजवान, रिजवान की इंशाल्लाह। तो भाई बाबर जो है वो सेंचुरी करेगा, रिजवान भी जो है वो सेंचुरी कर रहा है। भाई इन लोगों से हमने बात की और काफ़ी अच्छा लगा, और इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई इन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे काम को। अच्छा कॉमर्स को मैं ये कहूँगा कि भाई कॉमर्स का इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको काम देखने के लिए मिलेगा, और हम कॉमर्स का भी जो है ना वो काम बहुत जल्द शुरू करेंगे। लोकेशन मैंने शुरू में ही बता दी थी, और थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं और ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का ना सेपरेट है ये कॉलेज, ना अलग है, यानी गर्ल्स का फ्रंट साइड पर है, अगर आप यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आओगे ना तो वहाँ पर जो है ना बॉयज़ का पड़ेगा, और अगर कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हो, यानी जहाँ सिटी की स्कूल बना हुआ है वहाँ पर जो है वो गर्ल्स का ये पड़ेगा। तो आज हम इन बॉयज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई आप लोग कुछ सजेस्ट करोगे कि पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, या पढ़ाई में क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे देखते हैं? हम इस तरह करेंगे, हमें अच्छे अच्छे टीचर चाहिए, वो हमें पढ़ाए अच्छे, हम भी आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। यूनिवर्सिटी का क्या प्लान है?
यूनिवर्सिटी यहाँ से सेकंड ईयर हो जाए इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। एनईडी कराची? नहीं, कराची यूनिवर्सिटी। कॉमर्स है? नहीं, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है यानी UBIT। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई एनईडी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, वहाँ भी ट्राई करो। UBIT भी बहुत अच्छा है, समझ लो 50-50 है, लेकिन NED बेस्ट है, उसमें ट्राई करना क्योंकि मैं भी वहाँ पढ़ रहा हूँ। चलो आपने बोला हम कर लेंगे। चले भाई, यहाँ पर अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी कॉलेज में आऊँ तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपकी तरफ होंगे।